जब त्रिवेंद्र रावत जी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, आप ही ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा था केवल चुनावी सगुफा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो सही, मेरी जो भावना थी वो निर्मूल साबित नहीं हुई। 3 साल हो गए पिछले 4 तारीख को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बने, एक दिन का भी विधानसभा सत्र गैरसैंण में नहीं चला। और जब मैंने और मेरे साथियों ने विरोध करना शुरू किया, इस बात को आप लोगों के माध्यम से उठाना शुरू किया, तो आनंद फानंद में 6 दिन का सत्र वहाँ बुलाया गया। हम पूछना चाहते हैं इस बार की 26 जनवरी को किसी भी मंत्रिमंडल के साथी ने जाकर भराड़ी सैन में हमारी विधानसभा में झंडारोहण क्यों नहीं किया। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस बजट पे जो बजट सत्र वहाँ बुलाया गया है, दिखाने के लिए आपने कहा कि हम गैरसैंण में भराड़ी सैन में बजट सत्र बुला रहे हैं, 1 रुपये का भी प्रावधान वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए क्यों इस बजट में नहीं रखा गया, ये आपकी नीयत को दर्शाता है। दूसरी चीज़, इस पूरे बजट सत्र में आपने भराड़ी सैन में बजट रखने के लिए 6 दिन का समय रखा, आप क्यों 18 तारीख तक बजट सत्र नहीं चलाना चाहते। और हम कहते हैं कि अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी आप घोषित कर दिए हैं तो कम से कम 6 महीने सरकारी कामकाज भराड़ी सैन गैरसैंण से चलना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी को वहाँ बैठना चाहिए, मुख्यमंत्री को वहाँ बैठना चाहिए, कैबिनेट के मंत्रियों को वहाँ बैठना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को कामकाज भराड़ी सैन से चलाना चाहिए। तब हमको लगेगा कि हमारी जो राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये क्या हुआ, नाम आपने घोषित कर दिया ग्रीष्मकालीन राजधानी और सत्र बुलाने को लेकर आप आनाकानी कर रहे हैं और सत्र चला के सोच रहे हैं कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना ली। आप क्यों पर्वत के लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्यों जो हमारे आंदोलनकारी लोग थे, राज्य आंदोलनकारी, ये उनका अपमान कर रहे हो, क्यों आप हमारे जिन लोगों ने अपनी जान की शहादत दी इस राज्य के बनने में, कई हमारे नौजवान साथी, कई हमारी बहनें मृत्यु को प्राप्त हो गई, गोलियाँ उनको लगी हैं, उनकी उनकी भावनाओं का और उनका अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है।